खबरों के अनुसार पता चला है कि उत्तर कोरिया के तनाशा किम जोंग ने लगाई तेजाब के तालाब में डुबकी, लेकिन हैरत की बात यह कि तेजाब में डूबने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक और सही सलामत है, बस उनकी लाश पोस्टमार्टम की जा रही है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि फांसी और उम्र के बाद जैसे गंभीर सजाओं के बाद एक और नई सजा की शुरुआत की गई, और वो नई सजा है कि जेल में बंद मुजरिमों को नेताओं की तरफ से कुत्ते की तरह कटवा जाएगा, ताकि जनता को नेताओं के भूखने की क्षमता के साथ साथ काटने की क्षमता का भी पता चले। खैर, ये खबर कितनी सच्ची है ये बताना भी मुश्किल है। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। तो आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बहुत ही जाने माने नेता जो सवाल सुनते हेड कराने लगते हैं, त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने अपनी जिंदगी में काफी कांड और घोटाले किए, लेकिन फिर भी वो खुले सांड की तरह हर जगह घूमती रहती है, और इन्हें घोटालों की वजह से त्रिपाठी जी ने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना भी किया है। ये एक बार सीधे सड़क पर आ चुके थे, इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, भरी गर्मी में इनके पास पंखा भी नहीं हुआ करता था, ये सड़क पर ही सोते थे और जब ट्रक आता तो इन्हें ठंडी हवा देकर जाता था। एक बात बताइए, आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाया क्या? अबे वैसे तेरी इज्जत करता कौन है बे, मैं न्यूज रिपोर्ट हूँ, बेइज्जती करूंगा? वैसे तेरी गलती है, तू आया जो सवाल पूछा उसका चुपचाप जवाब दे देता, तू टीवी पर लाइव है, सारी दुनिया तुझे देख रही है। हाँ तो त्रिपाठी जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप इतने गफले कर कैसे लेते हैं? ये सब झूठे आरोप है, हमने आज तो कोई अभी भाषण तो बिना रुके देता है, अब क्या हुआ बे? अच्छा फंसाया तूने, एक बार कैमरा बंद होने दे फिर बताता हूँ मैं तुझे। अच्छा तो आपने इन 3 सालों में क्या क्या किया? हमने सड़कें बनवाई, हर जगह पानी दिया, बिजली दी, फ्री एजुकेशन दी। और कितने रुपए का घोटाला किया है ये भी बताया दर्शकों को? हमने कोई आप तो घोटाले पर ही अटक गए। अच्छा तो आपने और क्या क्या बनवाया? हमने नाले भी बनवाए। अबे तो कूद कर मर जाता उसी नाले में। वैसे तो मेरे पास आपके सारे कारनामों की लिस्ट है कि आपने कब कहा और कितने रुपए का घोटाला किया। मैंने पहले ही कहा कि ये सारे झूठे आरोप है, मैंने आज तक कोई अभी जल्दी बोल, 40 साल बाद मुझे रिटायर भी होना है। अब बंद भी करें इंटरव्यू। अरे कुछ कांड तो बता, कुछ टीआरपी का जुगाड़ तो कर, ऐसे कैसे बंद कर दूं मैं इंटरव्यू? कल इसी चैनल पर तेरे साथ हुए हादसे की खबर कोई दूसरा रिपोर्टर सुना रहा होगा, अब तू बच नहीं सकता। अरे नेताजी आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। अब कुछ भी कर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नेताजी आप तो सच में बुरा मान गए, तू यहाँ से सही सलामत अपने घर नहीं जा पाएगा। नेताजी मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो नेताजी। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, तूने लाइव टीवी पर मेरी बेइज्जती की, अब भुगत। अबे चुप बे। नेताजी एक आखिरी सवाल, आप अपने किसी कांड के बारे में बताइए हमें। हमने आज तक कोई मैंने अपने जिंदगी में एक से एक अकलाने वाले देखे, लेकिन सर तेरी तरह अकलाने वाला पहली बार देख रहा हूँ।